नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के कार्यकाल का 5 साल पूरा हो गया। पायलट ने इस मौके पर अपने कामयाब कार्यकाल के लिए प्रदेश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का आभार व्यक्त किया। पीसीसी में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा में लक्ष्य पूरा हो गया है, अब मिशन लोकसभा 25 है जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई पहलुओं पर काम हो रहा है। सभी पदाधिकारियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रोजेक्ट के तहत 24 और 25 को जयपुर में 200 पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर इस तरह के ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पायलट ने यह भी कहा कि जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी की विदाई हो गई है, वैसे ही अब केंद्र में भी यूपीए की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आप बताओ, 2014 से 18 तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई मांग नहीं आई, ना संघ ने करी, ना वीएचपी ने, बजरंग दल ने, ना बीजेपी ने। ये तीनों स्टेट हारने के बाद एकदम से जब ये मूर्छित हो गए थे, अब सचेत हुए हैं, तो उनको लगा कि अब आर्थिक स्तर पर हम लोग नहीं पार पड़ पाएगी, नौकरी दे नहीं पा रहे, किसान अब हमसे बहुत नाराज हैं, चाहे तमिलनाडु, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो। एक सेकंड में, तो जब सब नाराज हैं तो उनको लगा अब क्या करें, नोटबंदी उल्टी पड़ गई, जीएसटी से लोग खफा हैं, तो उनको ले दे के वही घिसा पिटा उनका जो एक पुराना राग है उसको लाप रहे हैं। लेकिन पब्लिक समझ गई है कि ये ना तो हिंदू हितेशी हैं, ना किसान हितेशी हैं, ना गरीब हितेशी हैं, ये तो सिर्फ भाजपा हितेशी हैं। और अब जब बीजेपी के तमाम दल छोड़ के जा रहे हैं, आप सोचिए एनडीए ने शुरुआत करी थी, आज कहाँ पर खड़े हैं। टीडीपी छोड़ के चली गई, एजीपी छोड़ के चली गई, शिवसेना छोड़ के चली गई, कुशवाहा साहब छोड़ के चले गए, पासवान साहब जाते जाते वापस लौट आए, अकाली दल जाने वाला है शायद। तो एनडीए का जो कुनबा है लगातार कम होता जा रहा है और कांग्रेस के नेतृत्व को लगातार एक्सेप्टेंस मिल रही है, चाहे शरद पवार साहब हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब हों और एम के स्टालिन हों। तो यूपीए का कुनबा पड़ रहा है, जब इनको ये असलियत दिखाई देती है तब ये फिर वही राग गाते हैं। इसलिए पब्लिक समझ गई है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो ये अलग अलग प्रदर्शन कर कर या शक्ति प्रदर्शन कर कर सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को